आज की ताजा खबर पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज 13 मई मदर्स डे है, ऐसे में आज हम उन एक्टर एक्ट्रेसेस की बात करेंगे जिनकी मॉम बॉलीवुड में न सिर्फ हिट रही बल्कि उनका नाम उस दौर की टॉप हीरोइनों में भी गिना जाता है। बता दें कि तनुजा की बेटियां काजोल और तनिषा भी फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रही हैं। हालांकि इनमें काजोल तो सफल रही लेकिन तनिषा को सफलता नहीं मिली। बबीता की दोनों बेटियां करिश्मा और करीना बॉलीवुड में बड़ी हिट एक्ट्रेस साबित हुई। करिश्मा जहां अब फिल्मों से दूर हैं, वहीं छोटी बेटी करीना अब भी फिल्मों में एक्टिव हैं। हेमा मालिनी भी अपने जमाने की सुपरस्टार रही हैं। उन्होंने कई ब्लॉकबस्टर फिल्मों में काम किया। हेमा की बेटी ईशा देओल ने भी फिल्म इंडस्ट्री में किस्मत आजमाई लेकिन उन्हें खास कामयाबी नहीं मिली। डिंपल ने 16 साल की उम्र में 1973 में फिल्म बॉबी से अपना एक्टिंग करियर शुरू किया। इसी साल उन्होंने राजेश खन्ना से शादी कर फिल्मों को अलविदा कह दिया था। सैफ अली खान से उनके दो बच्चे बेटी सारा और बेटा इब्राहिम हैं। हालांकि 2004 में दोनों में अलगाव हो गया और उन्होंने तलाक ले लिया।